नमस्कार। यदि आप गर्मियों में अपनी रात एयर कंडीशनर और कूलर की ठंडी हवा में बिताने के आदी हैं, यदि आप दिन में नौकरी के बोझ के कारण रात में वॉशिंग मशीन चलाकर अपने कपड़े धोते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। अब यह आपके लिए और ज़्यादा महंगा साबित होने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने नए बिजली टैरिफ प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसमें रात में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाने पर ज़्यादा बिल चुकाना होगा। नए टैरिफ प्लान में रात के समय में बिजली को जो है वो पीक आवर्स बताया गया है। पीक आवर्स होता है यानी कि ज़्यादा डिमांड वाला समय, तो रात के समय को ज़्यादा डिमांड वाला समय घोषित कर दिया है। रात के समय में अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10-20% तक जो है वो बिजली के बिल की जो दरें हैं वो बढ़ जाएंगी, तो आपको ज़्यादा बिल चुकाना पड़ेगा। और दिन के समय में वही अगर आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो उसको 10-20% तक वो बिजली का बिल कम आए। तो ये एक नया टैरिफ प्लान जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है और ये जो है बहुत जल्दी ही लागू हो जाएगा। फिलहाल बिजली का बिल आपके लिए बढ़ने वाला है। मुसीबत की बात यह है कि गर्मियों के दिनों में जब हम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो अधिकतम वो बिजली जो है वो हम रात के समय में ही इस्तेमाल करते हैं। रात में दिन भर का थका हारा आदमी जो है वो रात में जब अपने घर पहुंचता है तो वो कोशिश करता है कि मैं रात में अपने परिवार के साथ में आराम से अपना जो रात गुजारूँ। रात आराम करने के लिए होती है, उसमें ही आप कूलर चलाते हैं, उसी समय में आप एसी चलाते हैं, उसी समय में फ्रिज भी चलता है। रात के समय में ही ज़्यादातर काम जो है वो हम बिजली की ज़्यादा खपत हम करते हैं। लेकिन रात के समय ही बिजली के बिल को बढ़ा दिया गया है और रात के समय जब बिजली का बिल बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए परेशानी तो होने वाली है। फिलहाल ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, इसका नाम दिया गया है टैरिफ प्लान। तो ये न्यू टैरिफ प्लान है और ये जो न्यू टैरिफ प्लान है वो अप्रैल 2024 से कहा जा रहा है कि ये लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर है तो ये उससे पहले भी हो सकता है, और स्मार्ट मीटर अगर आप नया लगवाएंगे तो वो आज से ही लागू हो जाएगा। तो नए स्मार्ट मीटर लगाने पर भी ये प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि अगर आप दिन के समय में इस बिजली का इस्तेमाल करेंगे, जो आप अभी अमूमन कर रहे हैं घर में, तो दिन के समय में अगर आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो वो बिजली जो है आपको उसकी दरें कम हो जाएंगी। जैसा कि कहा जा रहा है कि दिन के समय का मतलब होता है, दिन के समय का मतलब है सौर का जो दिन होता है, सौर माने सोलर का जो दिन है, यानी सूरज जब तक रहेगा 8 घंटे का वो समय माना जाएगा। कुछ भी हो सकता है, वो 8 घंटे का समय शायद 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, या फिर 8 बजे से 4 बजे तक, 9 बजे से 5 बजे तक, जो भी रहेगा, तो वो 8 घंटे का समय जो है वो उस समय में बिजली कम खर्च होगी, मतलब कम उसका बिल आएगा। आप खर्च तो जितनी भी चाहे उतनी कर सकते हैं, लेकिन उसका बिल दिन के समय में कम आएगा, सौर का जो दिन होगा उसमें, और बाकी के 16 घंटे बिजली जो है वो उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो अब मुसीबत की बात ये है, इसको कई सारे लोग इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि अब बिजली के बिल जो है वो सस्ते हो जाएंगे, बिजली की दरें घट गई हैं। लेकिन समझने वाली इसमें बात यह है कि 8 घंटे के लिए ही वो बिजली की बिल जो है वो कम हुई है, बाकी के 16 घंटे जो हैं, अभी जो आप 24 घंटे दे रहे हैं, अभी जो से एक सामान्य अगर मैं मानूं 2400, अगर सपोज हम मानते हैं कि 24 यूनिट, ये आसान भाषा में हम इसको समझ लें कि 24 यूनिट अगर आप दिन भर में इस्तेमाल करते हैं तो दिन के समय में जो 8 यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे, 8 घंटे जो इस्तेमाल करेंगे, एक घंटे में अगर आप एक यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो दिन के 8 घंटे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो दिन के 8 घंटे के जो 8 यूनिट होंगे उनमें तो बिजली का बिल कम आएगा, माने उसकी दर कम हो जाएगी, और जो बाकी के 16 घंटे हैं उसमें वो दर बढ़ जाएगी। अब आप यहाँ से अंदाजे ऐसे लगाइए कि वो 8 घंटे की अगर मान के चलते हैं कि वो 10 रुपये प्रति यूनिट आप बिजली खर्च कर रहे हैं, तो 10 रुपये प्रति यूनिट अगर आप बिजली खर्च कर रहे हैं तो दिन के 8 घंटे के हिसाब से होता है 80 रुपये हो गए दिन के, ये 8 घंटे के, और इस 80 रुपये को अगर वो 10-20% तक कम करेंगे, हम मान के चलते हैं कि 20% उन्होंने कम किया, तो 80 का 20% कितना होगा, वो कम होगा, लेकिन बाकी के 16 घंटे वो जो 20% बढ़ेगा तो बिजली का बिल बढ़ेगा, कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप ये विचार बिल्कुल मन से त्याग दीजिए कि ये स्कीम आपके लिए लाभकर होने वाली है। मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाली है,
बाकी आपके हिसाब से इस स्कीम को लेकर के आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि बिजली की जो दरें हैं, नई दरें हैं, जो नई योजना है, जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो अप्रैल 2024 से लागू होनी है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आपके साथ जुड़कर हमें अच्छा लगता है। हमारी इतनी मेहनत को जो हम करते हैं उसको आप प्रोत्साहन दे सकते हैं लाइक, कमेंट और शेयर करके। शुक्रिया।